नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी आना न्यूज में मुजाहिद भारती है, आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिनभर की खास खबरों की ओर। मानव सेवा समिति ने आयोजित की मिनी मैराथन। उक्त मैराथन आज गुना शहर में आयोजित की गई, जो कि युवराज क्लब से शुरू हुई, साथ ही विभिन्न मार्गों से होते हुए स्थानीय शास्त्री पार्क पर जाकर संपन्न हुई। इस मैराथन में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया, जिनका उत्साह यहां देखते ही बनता था। मिनी मैराथन को देखते हुए यातायात को सुचारू बनाने के लिए जगह जगह पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था, जिससे मिनी मैराथन भी संपन्न हुई और साथ ही यातायात भी बाधित नहीं हुआ। वहीं इस मैराथन के आयोजक व मानव सेवा समिति के संयोजक विजय उपल ने बताया कि वह इस वर्ष को स्वामी विवेकानंद वर्ष के रूप में मना रहे हैं। वह आज स्वामी विवेकानंद युवा दिवस होने के उपलक्ष्य में इस मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि मिनी मैराथन में विजेता रहे प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। तीसरा टोकन आपको शिमला होटल पर मिलेगा। यहाँ से रूट भी मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप जाएंगे सीधा हनुमान चौराहे से लेफ्ट साइड मुड़े। आराम से बंद डाल लेते हैं साइड। इसके बाद सात बच्चे जो और हैं मैं उनको बुला रहा हूँ, उनको भी हम सर्टिफिकेट देंगे। गुना मानव सेवा समिति और हमारे शहर में समाज के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रही है। आज हमने इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि ये वर्ष हमने स्वामी विवेकानंद जी को सेलिब्रेट किया है, इसी उपलक्ष्य में आज हमने मिनी मैराथन के आयोजन किया। जिसमें 10-18 वर्ष की आयु बालकों की रखी गई थी और वो अभी संपन्न हुई है। इसी तरीके से हम लोग समाज के क्षेत्र में, ये कहाँ से कहाँ तक मैराथन आपकी संपन्न हुई? युवराज क्लब से प्रारंभ की गई थी, आराम से समाप्त हुई। विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा पूरा राष्ट्र मना रहा है, उसी उपलक्ष्य में इस मैराथन का आयोजन किया गया था। हम हमारे बच्चों को वो प्रेरणा देना चाहते हैं जो हमारे स्वामी जी चाहते थे कि मेरे देश के बच्चे संस्कारित हों, सब एक दूसरे की मदद करने वाले हों, राष्ट्र को महत्व देने वाले हों। उस सभी के उपलक्ष्य में बच्चों के अंदर वो भावना जागृत करने के लिए आज इस मैराथन का आयोजन किया गया था और हम उम्मीद करते हैं हमारे देश के युवा हमारे देश का भविष्य है, वो इस देश को और संस्कारित करेंगे और अच्छे रूप में लेके जाएंगे।
वाल्मीकि समाज ने फूका मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री अर्चना चिटनीस का पुतला। गौरतलब है कि विगत दिनों अर्चना चिटनीस द्वारा मंदसौर में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महर्षि वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे गुस्साए वाल्मीकि समाज बंधुओं ने आज इनका पुतला यहां फूका। वहीं जमकर अर्चना चिटनीस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि अर्चना चिटनीस ने अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ साथ कहीं न कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना भी की है। अर्चना चिटनीस को मंत्री पद से बर्खास्त करो, अर्चना चिटनीस को मंत्री पद से बर्खास्त करो, अर्चना चिटनीस को मंत्री पद से बर्खास्त करो। महर्षि वाल्मीकि भगवान की रामायण के नव कुश के गुरु की अर्चना चिटनीस मुर्दाबाद, अर्चना चिटनीस मुर्दाबाद, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय, सीता के रक्षक की जय, नव कुश के गुरु की जय। ये भी विगत दिनों मंदसौर में वाल्मीकि समाज के सम्मेलन में प्रदेश की शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस जी ने वाल्मीकि समाज के आराध्य देव भगवान महर्षि वाल्मीकि भगवान को जो चोर और डकैत कहकर रत्नाकर कहकर संबोधित किया है, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी उन्होंने उसकी अवहेलना की है। सुप्रीम कोर्ट ने महर्षि वाल्मीकि भगवान के खिलाफ ऐसी टीका टिप्पणी करने वालों पे रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। माननीय मंत्री जी ने कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की है और संपूर्ण वाल्मीकि समाज को ये बताया है कि हमारी सोच क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ वाल्मीकि समुदाय का वोट लेना चाहती है, दूसरी तरफ वाल्मीकि समाज के आराध्य देव को उनके मंत्री मंचों से ऐसा कहते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय कृषि उपज मंडी परिसर में आज एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक का आयोजन राष्ट्रीय कृषि बाजार के तत्वावधान में किया गया, जिसमें कृषि उपज मंडियों को ऑनलाइन करने संबंधित कई जानकारियां कृषक बंधुओं को उपलब्ध कराई गईं। इस बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी बैठक में पधारे अधिकारी ने मीडिया को उपलब्ध कराई। रेट मिल रहा है नीमच मंदसौर की जो मंडियां हैं, चना उधर उन्होंने तो प्याज तक करी है, प्याज में भी उन्होंने अच्छा रेट में लेते लास्ट टाइम, कौन सी ट्रेंड किस टाइम पे आ रही है उसी टाइप से इसमें डिस्प्ले होगा कि आपका इस ये वाला किसान का लॉट, किसान का नाम और लॉट नंबर और किस व्यापारी को चला गया, तो वो उसी टाइम वहाँ पे ऑफिस में आएगा, मंडी ऑफिस में, हाँ मुझे बेचना है फाइनल, नहीं बेचना है तो वो मंडी ऑफिस में बता देगा मुझे अपना लॉट नहीं बेचना है, मैं अगली बोली में भाग लूंगा। और क्या मतलब है ऑनलाइन हमने बोली क्यों करी? अब इसका मेन पर्पस ये है कि अभी तक क्या रहता था, व्यापारी और किसान जो भी बोली है मंडी में ही लगती थी, मंडी तक सीमित थी। अब हमने क्या करा, ऑनलाइन बोलियों के व्यापारी आपकी फसल पर बोली लगा सकते हैं, मतलब आप अगर गुना मंडी में माल लेके आए हैं और किसी इंदौर के व्यापारी को चना चाहिए आपके यहाँ से, तो वहीं से बैठे बैठे आपके उपज के सर्टिफिकेट देख के बोली लगाएगा और आपका माल खरीद लेगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार का कार्यक्रम है जिसमें मध्य प्रदेश के 58 मंडियों को जोड़ा गया है, जिसमें एक ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिससे इंडिया की और मध्य प्रदेश की सारी मंडियों को जोड़ा जाएगा और जिसके द्वारा किसान अपना माल कहीं पर भी किसी भी मंडी में बेच सकता है और व्यापारी भी किसी भी मंडी का माल कहीं पर भी बैठे बैठे खरीद सकता है। इसमें इसका मेन मोटिव यही है और इसमें एक ई ट्रेडिंग लाइसेंस बनाया जा रहा है जिसमें एक लाइसेंस लेने पे देश और विदेश की देश और प्रदेश की सारी मंडियों में व्यापारी अपना माल खरीद सकता है।
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 52वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। यह कार्यकर्ता आज स्थानीय शास्त्री पार्क में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अरे यहाँ पीछे भाई साहब जीना हो जाए खड़े जय किसान। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की 52वीं पुण्यतिथि है। आम आदमी पार्टी हमारे राष्ट्रीय पूर्व नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और हम आशा करते हैं कि शास्त्री जी के सिद्धांतों पर सब चलें। जिस तरह से आम आदमी पार्टी शास्त्री जी के सिद्धांत को अपना रही है, उसी प्रकार से सब पार्टियां शास्त्री जी के सिद्धांत को अपनाएं और एक स्वच्छ और ईमानदार शासन और सरकार देने का कष्ट करें। चाचौड़ा बीनागंज स्थित भक्तमाल जी मंदिर पर चल रही है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। आज उक्त कथा के छठवें दिन संत मोहन शरण शर्मा सेल्मावाद वालों के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया, जिसमें किस प्रकार छोटे से नन्हे से रूप में भगवान ने कंस मामा के द्वारा भेजे गए असुरों का उद्धार किया और इन सबके उद्धार के बाद अंत में किस प्रकार कंस मामा का वध किया और किस तरह अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को जेल से रिहा कराया आदि विषयों का वर्णन किया गया। वहीं कथा के आयोजकों ने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में इस कथा में पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित करने की अपील भी की है। तुम जानती है, अरे ये करने का जैसे साल भर बड़े हैं नामकरण तो पहले इनका ही होना चाहिए, इनका नाम तुमने करवा दिया देखो। और सारी बात कह दी क्वचन दाता वसुदेव ये नंद बाबा ये तुम्हारा दादा कभी। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। बिजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।